नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर पॉइंट पर। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए सोशल मीडिया पर आजकल एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन चल रहा है वो रियल है या फेक है, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो है एग्ज़ाम डेट के बारे में एक नोटिस चल रहा है, तो पूरी डिटेल जो होगी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि यार नोटिस जो है रियल है या फेक है, आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम आप पूरी डिटेल इसके बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, इसके अलावा जो है हम आपको डेली यहाँ पर करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC और बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या नोटिस आया है हम आपको पूरी वेरिफिकेशन के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो और दोस्तों, लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम आपसे 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज की क्या नोटिफिकेशन है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन चल रहा है, आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम होगा इसमें डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए रेलवे का लोगो भी है, ठीक है। तो नोटिस फॉर फर्स्ट स्टेज के लिए दिखा रहे हैं, CBT 1 के लिए, और एग्जाम डेट देखते हैं कब की दिखाई रखी है इसके अंदर। देखिए, फर्स्ट स्टेज के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिखा रखा है 13/3/2020 को, ठीक है। मार्च 2020 में 13 तारीख को जो है एग्ज़ाम का डेट दिखा रहे हैं। डाउनलोड ई कॉल लेटर कर सकते हैं, 4 दिन पहले जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, फेक है रियल, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एक्टिवेशन ऑफ मॉक लिंक टेस्ट 17/3/2020। देखिए, एग्ज़ाम दिखा रहा है 13/3/2020 को और मॉक लिंक टेस्ट दिखा रहा है 17/3/2020 को। तो दोस्तों, इसी से पता चल रहा है कि ये जो है नोटिफिकेशन फेक है, लेकिन और भी हम इसमें के अंदर आपको प्रूफ देने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, सेकेंड स्टेज के लिए भी जो है 28/3/2020 से 30/4/2020 का दिखा रखे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है फेक न्यूज़ है, आप इसके अंदर और भी अच्छे से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर ना ही कोई रेलवे के द्वारा मोहर है, ना किसी का सिग्नेचर है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों पूरा को पूरा फेक है, और इसके अंदर हम आपको पूरी डिटेल और भी बताने वाले हैं एक न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो देखिए अगला नोटिफिकेशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अमर उजाला की बहुत बड़ी अपडेट है जो आज की ही है, इस नोटिफिकेशन के लिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ना, इसी के लिए एक नोटिफिकेशन आया है अमर उजाला के द्वारा। देखिए, RRB NTPC के लिए 1.3 लाख बंदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर रेलवे ने जो जरूरी सूचना है जारी की है, उसके बारे में एक नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं रियल है या फेक। देखिए, रेलवे में लगातार भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की जा रही हैं, अलग अलग 1000 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे की एक ऐसी भर्ती है जिसका देश भर के करोड़ों उम्मीदवारों को लंबे समय से इंतजार चल रहा है। देखिए, वह RRB NTPC है दोस्तों, NTPC के लिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके लिए हम आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए, अब रेलवे भर्ती बोर्ड की उन्हीं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC भर्तियों के संबंध में रेलवे ने बेहद ज़रूरी सूचना दी है। ये सूचना RRB NTPC भर्ती परीक्षा की तारीख के बारे में है दोस्तों, और हर उम्मीदवार के लिए जानना बेहद है, क्योंकि सभी लोगों ने जिन्होंने NTPC के लिए अप्लाई किया हुआ है काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कब एग्ज़ाम होने वाला। देखिए, ये परीक्षा जो है 1.3 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियों के लिए आयोजित की जानी है। इसके लिए देश भर से 1.26 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया महीनों पहले पूरी हो चुकी है। इस भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे ने अब से करीब 9 महीने पहले अधिसूचना जारी की थी, ठीक है। जो एग्ज़ाम के लिए देखिए फिर से क्या है, तब से ही आवेदन करने वाले करोड़ों अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड का इंतजार है। अब इस संबंध में एक सर्कुलर की चर्चा हो रही है। इस सर्कुलर में क्या कहा गया है, RRB NTPC Tier 1 परीक्षा 13/3/2020 को आयोजित की जाएगी। देखिए, हमने जो नोटिफिकेशन दिखाया उसके अंदर देखिए है 13/3/2020 को आयोजित की जानी है। इसमें भी ये बताया गया है कि दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है 23 मार्च से 30 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। CBT 2 जो है 30 अप्रैल 2020 तक चलेगी। तो दोस्तों, ये जो है नोटिफिकेशन रियल है या फेक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फेक का जो लोगो दिख रहा है आप लोगों को, फेक
दिखा रखा है अमर उजाला के द्वारा भी। तो नोटिफिकेशन जो है दोस्तों फेक है, अफवाहों पर ध्यान न दें। जो नोटिफिकेशन चल रहा है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, देखिए ये सर्कुलर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन रेलवे ने इस संबंध में दोस्तों कुछ और ही कहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए इसके बारे में कुछ कहा है अधिकारियों ने, रेलवे के अधिकारी के अनुसार ऐसा कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया रेलवे के अंदर। तो आप लोग जो है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उन फर्जी वीडियोज़ पर, फर्जी जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं उन पर ध्यान न दें दोस्तों। अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सर्कुलर फर्जी है, उन्होंने उम्मीदवार को इस फर्जी सर्कुलर के बारे में आगाह किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आपसे जो है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो उनका आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए करंट अफेयर के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, ब्रिटेन के गाय मार्टिन ने ट्रैक्टर को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दौड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से? कमेंट करिए राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स ब्रिटेन की गाय मार्टिन ने ट्रैक्टर को जो है 217 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 217 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राज्य क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स कौन सा राज्य बना है? तो देखिए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य जो है क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कितने वर्ष में भारत में समुद्र का स्तर 8.5 सेंटीमीटर से बढ़ा है? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक देखिए पिछले कितने वर्षों में भारत में समुद्र का स्तर 8.5 से बढ़ा है? तो देखिए 50 वर्षों से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, 50 वर्षों से भारत में समुद्र का स्तर जो है 8.5 सेंटीमीटर से बढ़ गया है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के उपग्रह यूरोपा की सतह के ऊपर जलवाष्प मौजूद होने की पुष्टि की है? तो देखिए अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने किस उपग्रह के यूरोपा उपग्रह पर जलवाष्प होने की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो देखिए बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा, जो यूरोपा उपग्रह है दोस्तों वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और इस पर नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा पुष्टि की गई है इस पर जलवाष्प मौजूद होने की। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह कितने वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के जज बनेंगे? तो देखिए मयंक प्रताप सिंह जो है राजस्थान के हैं और दोस्तों देखिए सबसे कम उम्र के भारत के अंदर जज बने हैं। तो देखिए इनकी उम्र क्या है, 21 वर्ष। राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह 21 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के जज बन गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गोवा के 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से देखिए किसको सम्मानित किया गया है, रजनीकांत को। ठीक है, गोवा के 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, पीईटीए ने किस खिलाड़ी को पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? फटाफट कमेंट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किस खिलाड़ी को चुना गया है पीटीए के द्वारा? देखिए किसको, विराट कोहली को चुना गया है फ्रेंड्स। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2019 विराट कोहली को चुना गया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 के मुताबिक किस राज्य सड़क हादसे में पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य जो है सड़क दुर्घटनाओं में 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक जो है सड़क दुर्घटनाएं जो है किस राज्य में हुई हैं? तो देखिए तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन सी आपका सही होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश की प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए
यहाँ पे सही आंसर होगा असम राज्य ने, ठीक है, असम राज्य ने प्रदेश की प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा की है। तो चलिए फ्रेंड्स करंट अफेयर का आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक समृद्धि का सूचकांक के 113 देशों में भारत के किस शहर को 83वां स्थान मिला है? तो भारत के किस शहर को 83वां स्थान मिला है 113 देशों की सूची के अंदर, देखिए वैश्विक समृद्धि सूचकांक में, तो देखिए बेंगलुरु शहर को, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, भारत के बेंगलुरु शहर का 83वां नंबर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। फ्रेंड्स अगर आप भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल दिखाई देगी उस पर भी क्लिक करना ताकि जो हम लेटेस्ट वीडियो डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग इन वीडियो का फायदा उठा सकें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।